छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के खुरमुड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने जांच अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और मामले की जांच के संबंध में उनसे जानकारी जुटी ली गई है। सीएम ने कहा है कि चारों बच्चों के नाम पर 1-1 लाख रूपये की एफडी की जाएगी। चारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च मुख्यमंत्री स्वयं उठाएंगे और बच्चों के पालन पोषण के लिए मृतक के भाई को 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों खुरमुड़ा में अज्ञात शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। फिलहाल पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली है, लेकिन जांच जारी है। लगभग 3 बजे के आसपास की घटनाएं लगातार एक एक करके सबकी हत्या की है। जो व्यक्ति वहीं रहा हो, वहीं भोजन किया हो, वहीं रात रुका हो और उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो ये निश्चित रूप से खोज का विषय है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो घर में आके उसी साथ रह के भोजन करके उसकी हत्या करे। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सजा मिले। सामने देख के बताना। मुख्यमंत्री आज से पूछी से कहा कैसे हो इस काम इस बारे में, जो हत्या है इस बारे में, तो जो जैसे दुर्गेश वाला बोले नहीं से मैं पूछू वाला कहा हो इस काम ही तो बोले से मैं भी बता मुख्यमंत्री ला और बोले कि बड़े माँ बड़े पापा हन तब बोले कुछ मदद कर प्रदेश के मंत्री हो ऐसे करके बोले हो तो बोलिस 1-1 लाख एफ डी करवाबो बच्चे मन के पढ़ाई लिखाई की जो खर्चा होगी बोला देवो ऐसे बोली।